नमस्ते दोस्तों, पिछले 4 से 5 साल का गुजरात स्टेट का जो बी ग्रुप का जो रिजल्ट रहता था वो करीबन 64-65% रहता था। ये साल 2024 में जब गुजरात स्टेट का साइंस स्ट्रीम का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ उसमें पर्टिकुलरली बी ग्रुप का जो रिजल्ट है वो 82% है। तो कंपेयर टू लास्ट 4-5 ईयर्स गुजरात का ये हाईएस्ट रिजल्ट है। ये साल गुजरात से जो बी ग्रुप का जो एग्ज़ाम्स देते उन कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ये साल नीट अपीयर्ड कैंडिडेट जो होते हैं गुजरात से पर्टिकुलरली उनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। गुजरात में आयुर्वेदा का जो फ़ी स्ट्रक्चर है, BAMS कॉलेजेस का जो फ़ी स्ट्रक्चर है, एवरेज फ़ी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कोटे का 4 लाख समथिंग रहता है। ये साल कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिस्टम में ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। गुजरात के जो नियर बाय जो स्टेट है मध्य प्रदेश राजस्थान, यहाँ पे भी ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स है। ये साल से NCISM आयुष मंत्रालय ने यदि आप BAMS करते हैं तो BAMS के बाद आपको नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम्स है वो कंपलसरी कर दिया है। आपको उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना ही होगा तभी आप एज ए BAMS डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये सिचुएशंस में आपका BAMS का जो एडमिशन्स आप जहाँ पे भी लेते हैं उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का एजुकेशन में क्वालिटी का परसेंटेज कितना है वो बहुत मैटर करेगा। यदि आप गुजरात से है, आप सोचते हैं कि मुझे भारत के कोई बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, फीस टू फीस एडमिशन्स लेना है, विदाउट डोनेशन एडमिशन लेना है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। धन्यवाद।